जैसे ही नींद टूटती है, आपका शरीर कुछ पल के लिए काम नहीं करता। नींद की आगोश में होने के कारण आपका शरीर और मन बिल्कुल शांत चित और स्थिर होता है। पूरे बॉडी सिस्टम की रीप्रोसेसिंग होती है और फिर अचानक विचार चारों तरफ से आकर आपको घेर लेते हैं और विचारों के बोझ के कारण आप चिंता, तनाव और डिप्रेशन से ग्रसित हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे मोबाइल स्विच ऑन होने में कुछ समय लेता है और जैसे ही यह स्विच ऑन होता है, मैसेज और नोटिफिकेशन से इसकी मेमोरी फुल हो जाती है, आपका मोबाइल फोन हैंग करने लगता है, तब आप इसे स्विच ऑफ करते हैं और फिर से रीस्टार्ट करते हैं। आपका यह दिमाग भी स्विच ऑफ हो सकता है। आप इसे स्विच ऑफ करके फिर से स्विच ऑन कर सकते हैं और जब आपका दिमाग स्विच ऑफ होगा तो आपके दिमाग से सारे विचार गायब हो जाएंगे और जब विचार गायब होंगे तो विचार शून्यता की स्थिति होगी। तो विचार शून्यता क्या है, विचार शून्यता किस प्रकार संभव है और विचार शून्य होने का सबसे आसान तरीका क्या है? कुंडलिनी क्लिनिक में आपका स्वागत है। इसी प्रकार के स्वास्थ्यवर्धक और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बटन दबाकर ऑल पर सेलेक्ट करें ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। एक छोटा बच्चा, नवजात शिशु केवल देखता है, वह अपने मां के चेहरे को बार बार देखता है और तीसरे महीने में उसके अंदर चेहरों में फर्क करने की चेतना आ जाती है और वह अपने मां के चेहरे को भी पहचानने लगता है। तो छोटा बच्चा, नवजात शिशु केवल दृष्टा होता है, वह वाइब्रेशन और सेंसेशन में हंसता, मुस्कुराता और खेलता है। तो सेंसेशन और वाइब्रेशन हमारे मूल में है। विचार शून्यता की शक्ति से ही हम धीरे धीरे जागृत अवस्था प्राप्त करते हैं और हम धीरे धीरे जिंदगी की भाग दौड़ में विचारों में चारों तरफ से जकड़ जाते हैं और चिंता की लकीरें चारों तरफ से हमारे चेहरे पर स्पष्ट रूप में दिखाई देने लगती है। शायद आपको पता नहीं, प्रकृति आपको प्रतिदिन 3-4 मिनट के लिए विचार शून्य कर देती है और आपको इसका आभास भी नहीं होता। यह प्रकृति आपको कॉस्मिक एनर्जी से चलाती है और कॉस्मिक एनर्जी प्रदान करने के लिए आपको विचार शून्य करती है। यह आपको जीरो थॉट और नो माइंड स्टेट में पहुंचा देती है। इसे थॉटलेसनेस कहते हैं और इसी थॉटलेसनेस, विचार शून्यता में वह आपको कॉस्मिक एनर्जी प्रदान करती है और यह एक कनेक्टिविटी है। वैज्ञानिक शोध कहते हैं जब आप सो जाते हैं तब भी आपके मस्तिष्क में, आपके ब्रेन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे चलती है और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे ही बताती हैं कि आपके मस्तिष्क में विचार चल रहे हैं। तो जब आप गहरी नींद की अवस्था में होते हैं
तो 3-4 मिनट के लिए ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे सिग्नल देना बंद कर देती है, और इस प्रकार आप थॉटलेसनेस, जीरो थॉट, नो माइंड स्टेट में होते हैं। लेकिन उस वक्त आप बेहोशी की हालात में होते हैं। लेकिन अब प्रश्न उठता है, पूरे होश में, जागृत अवस्था में विचार शून्यता कैसे प्राप्त करें? आप शरीर की 3 अवस्थाओं को ही जानते हैं। जागृत अवस्था जब आप जगे होते हैं, सुसुप्त अवस्था जब आप नींद में सोए होते हैं, और स्वप्न अवस्था जब आप स्वप्न में होते हैं, और एक चौथी भी अवस्था है जो मैं आपको बताऊंगा। तो पहली जो अवस्था है वह जागृत अवस्था है। जागृत अवस्था में आप पूरे होश में होते हैं, आपके मन में विचार होते हैं, और आपको समय का ज्ञान होता है। सुसुप्त अवस्था में आप नींद में होते हैं, आप बेहोशी की हालत में होते हैं, और आपके मन में विचार नहीं होते, आपको समय का बोध भी नहीं होता। स्वप्न अवस्था में आपके मन में थोड़े थोड़े अल्प विचार होते हैं, स्वप्न में आप बेहोशी की हालत में हैं, और समय का थोड़ा थोड़ा अल्प बोध भी है। लेकिन एक चौथी अवस्था है, इसे आप ध्यान से सुने। यह जो चौथी अवस्था है इसे तुरीय अवस्था कहते हैं। यह चौथी अवस्था, इसमें आप पूरे होश में होते हैं, पर आपके अंदर, आपके मन में विचार नहीं होते, आप विचार शून्य होते हैं, और समय का बोध नहीं होता। तो यह जो विचार शून्यता और समय बोधहीनता की स्थिति है, और पूरी तरह जो आपके शरीर में, मन में होश बना हुआ है, यह केवल ध्यान में ही संभव है। तो ध्यान का साधक जब ध्यान में होता है तो वह विचार शून्यता और समय बोधहीनता की स्थिति में समाधि में प्रवेश कर जाता है, और वह कई मिनटों तक समाधि में होता है, और कॉस्मिक एनर्जी भरपूर मात्रा में प्राप्त करता है। तो ध्यान पूरे होश में, विचार शून्यता की स्थिति में कॉस्मिक एनर्जी प्राप्त करने और विचार शून्य होने का एक बहुत ही कारगर उपाय है। ध्यान में आपका मस्तिष्क, आपका मन, आपका दिमाग स्विच ऑफ हो जाता है, और आप भरपूर मात्रा में ऊर्जा प्राप्त करते हैं। आपका दिमाग आपके पूरे शरीर के वजन का 2% है, लेकिन यह आपके पूरे शरीर की ऊर्जा का 20% खपत करता है। तो ये ब्रेन, आपका दिमाग जैसे ही स्विच ऑफ होता है, आपके शरीर में ऊर्जा बढ़ती है, और एक्स्ट्रा कॉस्मिक एनर्जी भी आपको प्राप्त होती है। एक ध्यान का साधक बहुत ही आसानी से विचार शून्यता प्राप्त कर सकता है, लेकिन एक साधारण मनुष्य जो ध्यान नहीं करता, वह कौन से अभ्यास करेगा, वह किस प्रकार विचार शून्यता प्राप्त करेगा? सबसे पहले आप समझ लें, आप अपने विचारों को देख सकते हैं। आप और आपके विचार दोनों अलग अलग हैं। आपके विचार आपके चारों तरफ बादलों की तरह उमड़ रहे हैं, और आपके शरीर में जैसे ही हार्मोनल रिएक्शन होता है, मन में इच्छाएं प्रबल होती हैं, तो उसी से मिलते जुलते हुए विचार अपने आप आपकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। यह ठीक उसी तरह है
जैसे आप रेडियो को एक विशेष फ्रीक्वेंसी पर सेट करते हैं तो उसी फ्रीक्वेंसी की तरंगे अपने आप ही खींची चली आती हैं। ठीक उसी प्रकार प्रति सेकंड 3 विचार तरंग प्रकृति के माध्यम से आते हैं और हमारी मूल प्रवृत्ति से आकर्षित होते हुए हमारी अंतः प्रकृति से संयोग करके विचार के रूप में प्रकट हो जाते हैं। आइए एक आसान प्रयोग करके देखते हैं। आप किसी एकांत स्थान में बैठ जाएं, बिल्कुल शांत चित्त, और आप अपने विचारों को देखते रहें। आपको अपने विचारों को रोकना नहीं है, उसमें शामिल भी नहीं होना है और विचारों के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करनी है। आप मात्र विचारों का निरीक्षण करते रहें, दृष्टा बनकर आप विचारों को देखते रहें। जिस प्रकार एक ट्रेन प्लेटफॉर्म से होकर गुजरती है और आप उसे देखते हैं और ट्रेन आगे बढ़ती चली जाती है, ठीक उसी प्रकार विचार आएंगे और आपके सामने से गुजरते चले जाएंगे। और इसी तरह लगभग 10 मिनटों तक देखते 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 आप पाएंगे कि धीरे धीरे विचारों की रफ्तार कम हो गई है, विचार आने बहुत ही कम हो गए हैं और एक समय ऐसा आएगा कि एक भी विचार नहीं होगा। जब एक भी विचार नहीं होगा तो उस समय विचार शून्यता की स्थिति होगी। लेकिन एक ध्यान का साधक क्या करता है? ध्यान का साधक आंखें बंद करके रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठ जाता है और वह अपने सांसों पर ध्यान लगाता है, क्योंकि सांसों का संबंध हमारे विचार से है। तो ध्यान का साधक सांसों की साधना में पारंगत हो जाता है। जैसे जैसे उसकी सांसें धीमी होती हैं, विचार भी अपने आप धीमे हो जाते हैं और एक समय ऐसा आता है जब सांस चलने का बिल्कुल एहसास नहीं होता और विचार बिल्कुल नगण्य हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि विचार है ही नहीं और वह पूरे होश पूर्वक उस स्थिति में बना रहता है और होश जैसे जैसे बढ़ता है विचार अपने आप गायब होते चले जाते हैं, क्योंकि होश की ऊर्जा विचारों से बड़ी है। जैसे ही वह होश से भर जाता है उसके आत्मा में प्रकाश फैल जाता है और विचारों का अंधेरा गायब हो जाता है। और इतना ही नहीं, वह अपने चेहरे के त्वचा और मांसपेशियों पर भी अपना ध्यान रखता है, अपने आंख के पुतलियों के पीछे की मांसपेशियों के प्रति भी वह सजग रहता है। तो एक ध्यान का साधक ध्यान के कई प्रकार के विधाओं का प्रयोग करके विचार शून्य हो जाता है। तो यदि आप भी ध्यान करना चाहते हैं तो आप ध्यान करें। ध्यान की कई सारी वीडियोस हैं, आप वहां से देख लें ध्यान कैसे करते हैं और आप ध्यान करें। और जब आपको विचार शून्यता की अनुभूति होने लगे तब आप वीडियो को लाइक और कमेंट करें। आपका परम मित्र संतोष सक्सेना।